वेलकम टू डियर टेक्निकल ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आईसीएच का सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जानेंगे कि आईसीएच का एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन Q1AR2 स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड से प्रोडक्ट्स। ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन जो अडॉप्ट हुआ था, इसका रिकमेंडेशन आया था यूरोपियन यूनियन, जापान और यूएसए का, ये तीन रेगुलेटरी बॉडीज को वजह से। आगे चलते हुए देखते हैं कि इसका जो गाइडलाइन का कवर नोट है, जो रिवीजन हुआ था Q1AR में, तो इसमें जो चीजें है कि न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड से प्रोडक्ट्स, द पर्पस ऑफ दिस नोट इज टू आउटलाइन द चेंजेस मेड इन Q1AR दैट रिजल्ट फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ आईसीएच Q1A दैट स्टेबिलिटी डेटा पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अडॉप्शन इन द क्लाइमेटिक जोन 3 एंड 4। द चेंजेस आर In the intermediate storage condition has been changed from 30 degree centigrade plus minus 2 degree centigrade, 60% RH plus minus 5% RH। अभी यहाँ पे थोड़ा पॉज कर लेते हैं और एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस 5% RH, ये क्राइटेरिया बार बार आने वाला है, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो जहां पे हम लोग इस बड़ा क्राइटेरिया को थोड़ा छोटा करके डायरेक्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 65% RH बोलेंगे, तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी है प्लस माइनस 5% RH भी है। तो चलिए आगे फिर चलते हैं। द इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड 60% RH टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड 65% RH इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अभी देखते हैं कौन कौन सा धारा में ये चेंजेस को किया गया है। पहले जो है कि ड्रग सब्सटेंस स्टोरेज कंडीशन जनरल केस, अगर ड्रग सब्सटेंस का जनरल स्टोरेज कंडीशन हुआ तो उसका जो इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन रहेगा वो 30-60 की जगह पे 30-65 कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरा है कि ड्रग प्रोडक्ट स्टोरेज कंडीशन जनरल केस, अगर ड्रग प्रोडक्ट होगा उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा ड्रग प्रोडक्ट्स पैकेज्ड इन सेमी परमिएबल कंटेनर्स, अगर ड्रग प्रोडक्ट को सेमी परमिएबल कंटेनर्स में पैकेजिंग किया तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। और ग्लोसरी इंटरमीडिएट टेस्टिंग, उसमें भी ये एप्लीकेबल, ये लागू किया गया है। आगे देखते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड 65% RH कैन बी ए सुटेबल अल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड 60% RH इन फॉलोइंग केस, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड 65% RH जो है 25-60 की जगह पे अल्टरनेटिव एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन हो सकते हैं। वो कौन कौन सा केस में लागू होगा? एक ड्रग सब्सटेंस स्टोरेज कंडीशन जनरल केस, ड्रग प्रोडक्ट स्टोरेज कंडीशन जनरल केस। तीसरा है 30-35 हैज बीन एडेड, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड 35% RH ये नया एड किया गया है एज ए सुटेबल अल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड 40% RH एंड दस ए कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल ऑफ द रेशियो ऑफ वाटर लॉस रेट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन फॉलोइंग सिचुएशंस, ड्रग प्रोडक्ट्स पैकेज्ड इन द सेमी परमिएबल कंटेनर्स, अगर ड्रग प्रोडक्ट सेमी परमिएबल कंटेनर्स में पैकेजिंग किया गया है तो उसकी केस में एक अल्टरनेटिव सुटेबल लॉन्ग टर्म कंडीशन दिया गया है, वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड 35% RH इंस्टेड ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड 40% RH। अभी देखते हैं ये जो अपना स्टेबिलिटी टेस्टिंग का न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स, ये जो गाइडलाइन है, इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गाइडलाइन, इस गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है?
It does not seek necessarily to cover the testing of registrations in or export to the other areas of the world. अगर आपको registration करना है और बाहर में others area of the world में export करना है, उसके लिए जो भी necessary requirements रहेंगे, वो necessary चीजों को particular ये criteria cover नहीं करता है. उसका details इस guideline में मौजूद नहीं है. The guidance seeks to exemplify the code stability data package for the new drug substance and products, but leaves sufficient flexibility to encompass the variety of different practical situations that may be encountered due to the specific scientific conditions and characteristics of the material being evaluated. मतलब ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी डेटा फॉर पैकेजिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, बट कुछ कुछ केस में इसमें सफिशियंट फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया गया है. वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है कि इन डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है पर्टिकुलर मटेरियल्स का, जिसकी वजह से आपको कुछ अल्टरनेटिव अप्रोच करना पड़ेगा. और ये अल्टरनेटिव अप्रोच जो होगा वो साइंटिफिकली जस्टिफाइबल रीजन के ऊपर डिपेंड करके ही आपको वो एक्टिविटी को कर सकते हैं. बट ये रिलैक्सेशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी इस गाइडलाइन में दिया गया है. चलिए अभी देखते हैं इस गाइडलाइन का स्कोप क्या है. द गाइडलाइन एड्रेसेस द इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस फॉर न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटीज एंड एसोसिएशंस एसोसिएटेड ड्रग प्रोडक्ट्स. दिस गाइडलाइन डज नॉट करेंटली सीक टू कवर द इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड फॉर एब्रीविएटेड एब्रिज्ड एप्लीकेशंस वेरिएशंस क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशंस एटसेट्रा. तो ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन करेंटली कुछ ऐसा रेगुलेटरी सबमिशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे. जैसे क्या होगा कि एब्रीविएटेड सबमिशंस जो है, या एब्रिज्ड एप्लीकेशंस, कुछ वेरिएशंस हो, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हो, उसका जो एप्लीकेशंस होगा उसके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल करेंटली नहीं है. स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द सैंपलिंग एंड टेस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म्स इन देयर प्रपोज्ड कंटेनर क्लोजर आर नॉट कवर इन दिस गाइडलाइन. पर्टिकुलर ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म, जैसे ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म या अदर जो भी डोसेज फॉर्म्स रहेंगे, वो पर्टिकुलर एक डोसेज फॉर्म का कंटेनर क्लोजर कैसे रहेंगे उसके बारे में ये गाइडलाइन नहीं बोलता है. फर्दर गाइडेंस ऑन द न्यू डोसेज फॉर्म्स एंड द बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी से फाउंड इन ICH गाइडलाइन Q1C एंड Q5C रेस्पेक्टिवली. तो ये बोल रहे हैं कि न्यू डोसेज फॉर्म, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उसका जो जो न्यू डोसेज फॉर्म रहेंगे उसके बारे में ICH गाइडलाइन Q1C और Q5C में रेस्पेक्टिवली दिया गया है उसका डिटेल्स. अभी देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस गाइडलाइन के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है. द पर्पस ऑफ द स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज टू प्रोवाइड एविडेंस ऑन हाउ द क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट वेरीज विथ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लाइट टू एस्टेब्लिश अ रीटेस्ट पीरियड फॉर द ड्रग सब्सटेंस और अ सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट एंड रिकमेंडेड स्टोरेज conditions. तो अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ऐसा रहेगा कि ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में जो भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग का प्रोसीड्योर प्रोवाइड किया गया है, वो पर्टिकुलर कुछ ड्रग प्रोडक्ट और या ड्रग सब्सटेंस के लिए होगा, जो कि ना हम लोग ये चेक करने के लिए लागू करेंगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब एनवायरमेंट का जो भी फैक्टर्स है उस फैक्टर्स का वेरिएशंस की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट,
एटसेट्रा, इसका इम्पैक्ट क्या है पर्टिकुलर एक डोसेज फॉर्म का, जैसे कि एक पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस हो सकता है और ड्रग प्रोडक्ट हो सकता है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो चीज को देखते हुए हम लोग उसका रिटेस्ट पीरियड को निर्धारण करेंगे, नहीं तो फिर उसका सेल्फ लाइफ कितना होगा एक ड्रग प्रोडक्ट का, उसका एक रिकमेंडेड पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन में सेल्फ लाइफ कितना होगा, उसको इवेल्युएट करने के लिए पर्टिकुलर ये गाइडलाइन को बनाया गया है। अभी इसमें दो चीजें है, एक जो है जनरल ड्रग सब्सटेंस, दूसरा है ड्रग प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले है ड्रग सब्सटेंस जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ स्टेबिलिटी इवेल्युएशंस। तो स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए एक जनरल ड्रग सब्सटेंस का स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है दैट इज इट्स इंटीग्रल सिस्टमेटिक अप्रोच, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच। अभी देखते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस कैन हेल्प आइडेंटिफाई लाइकली डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी इन टर्म हेल्प एस्टेब्लिश द डिग्रेडेशन पाथवे एंड द इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड वैलिडेट द स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पावर ऑफ द एनालिटिकल प्रोडक्ट यूज। द नेचर ऑफ द स्ट्रेस टेस्टिंग विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल ड्रग सब्सटेंस एंड द टाइप ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट इन्वॉल्व। तो मतलब क्या है कि स्ट्रेस टेस्टिंग जो है एक पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस को स्ट्रेस टेस्टिंग की वजह से हम लोग पर्टिकुलर उसका डिग्रेडेशन प्रोफाइल को जान पाते हैं, पर्टिकुलर उसका डिग्रेडेशन का पाथवे कैसा है, उसका इंट्रेंसिक स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेस कंडीशन में क्या नेचर है, कितना तक वो सर्वाइव करता है स्ट्रेस को, उसका एनालिटिकल प्रोसीड्योर की इवेल्युएट करने का एक तरीका है। द नेचर ऑफ द स्ट्रेस टेस्टिंग विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल ड्रग सब्सटेंस, मतलब जो स्ट्रेस टेस्टिंग हम लोग पर्टिकुलर एक किसी भी प्रोडक्ट को करेंगे तो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का या फिर पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रेस ले पाएगा एंड द टाइप ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट इन्वॉल्व और पर्टिकुलर वो ड्रग प्रोडक्ट में ड्रग प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, कैसा टाइप का, कौन सा कैटेगरी का है, उसके ऊपर भी उसका स्ट्रेस टेस्टिंग का रिजल्ट रिजल्टेंट डिपेंड करेगा। स्ट्रेस टेस्टिंग इज लाइकली टू बी कैरिड आउट ऑन अ सिंगल बैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो एक सिंगल बैच ऑफ द ड्रग सब्सटेंस के ऊपर किया जाएगा एक ही बैच पे। इट शुड बी इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन 10 डिग्री इंक्रीमेंट, इसमें क्या किया जाता है 10 डिग्री इंक्रीमेंट पे, जैसे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे इंक्रीमेंट वे में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है अबव द एक्सीलरेटेड टेस्टिंग, मतलब एक्सीलरेटेड टेस्टिंग की अबव में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। ह्यूमिडिटी भी रहेंगे 75% और ग्रेटर, मतलब 75% जो भी हम लोगों को एक्सीलरेटेड कंडीशन का ह्यूमिडिटी होता है उससे भी ऊपर में रह सकता है। और एप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन एंड फोटोलाइसिस ऑन द ड्रग सब्सटेंस, इसमें क्या क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं आगे इसको इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या होता है, प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्ट का फोटोलाइसिस रेट इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट लाइसिस हो जाता है, लाइसिस मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना, लाइसिस मतलब ड्रग को डिग्रेड हो जाना, तो डिग्रेडेशन रेट को हम लोग इंक्रीज करते हैं। द टेस्टिंग शुड ऑल्सो इवेल्युएट द सब्सिक्वेंटली ऑफ द ड्रग सब्सटेंस टू हाइड्रोलिसिस अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज व्हेन इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अभी अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक सॉल्यूशन और सस्पेंशन में है तो हम लोगों को मालूम है सॉल्यूशन और सस्पेंशन में मेनली क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है क्योंकि पानी की वजह से, तो ये हाइड्रोलिसिस रेट को हम लोग इंक्रीज करते हैं बाय चेंजिंग द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जितना चेंज होगा उसका हाइड्रोलिसिस रेट भी उतना चेंज होता जाएगा। तो ये भी एक तरीका है अगर आपका सॉल्यूशन और सस्पेंशन प्रोडक्ट है तो उसके लिए ये तरीका डिग्रेडेशन स्ट्रेस टेस्टिंग का एक तरीका है। अभी देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ बैचेस, डेटा फ्रॉम फॉर्मल स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी प्रोवाइडेड
on at least 3 primary batches of the drug substance. अगर आपको formally stability studies करना है तो at least 3 batches का stability data को collect करना जरूरी है. The batches should be manufactured to a minimum of pilot scale. Batch जो है minimum pilot scale पे बनना ही चाहिए by the same synthetic route, जिसका synthetic route similar होगा, same होगा, and using a method of manufacture and a procedure that simulate the final process of the process for use of the production batches. अब finally production batches में जो भी आप process को follow करेंगे, आपका initial batch के बनने का process और final batch बनने का process दोनों simulate होना चाहिए. The overall quality of the batches of drug substance placed on the formal stability studies should be representative of the quality of material to be made on a production scale. Other supporting data can also be provided. Other जितने भी supporting data है वो भी आपको provide करना चाहिए. अभी देखते हैं container closure system क्या है. The stability studies should be conducted on the drug substance packaged in the container closure system that is the same or simulate the packaging and storage and distribution. मतलब आप finally जो material को finally जो आपका drug substance रहेंगे उस drug substance को जिस condition में आप उसको storage करना चाहते हैं या distribution की time पे वो जिस condition में storage रहेगा आपको same condition को simulate करके ही आपको container closure maintain रख के आपको study perform करना है. Stability study की time पे उसका container closure system same रहेगा. अभी देखते हैं specification क्या है. Specifications, which is the list of test. Specification में मोटा मोटे देखा जाए तो 3 चीजें हैं. एक चीज़ है कि उसमें आपको कितने कितने टेस्ट परफॉर्म करना है उसका एक लिस्ट रहेगा. दूसरा है कि reference to the analytical procedure. आपको जो भी टेस्ट परफॉर्म करना है उसका परफॉर्म करने का प्रोसीड्योर जो है analytical procedure वो मेंशन रहेगा. तीसरा है proposed acceptance criteria. मतलब आप पर्टिकुलर एक टेस्ट को क्या क्या क्राइटेरिया में एक्सेप्ट करने वाले हैं उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा. इसको डिटेल एड्रेस किया गया आईसीएच Q6A में एंड Q6B में. इन एडिशन टू द स्पेसिफिकेशन फॉर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जहां पे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है उसकी केस में ड्रग सब्सटेंस का डिटेल्स डिस्क्राइब किया गया है आईसीएच Q3A में. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है. ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल है, अच्छी तरह से इसको जानना जरूरी है. फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्टिंग शुड बी सफिशियंट टू एस्टैब्लिश द स्टेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग सब्सटेंस. लॉन्ग टर्म स्टडीज के लिए जो है इसका फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो रहेगा ड्रग प्रोडक्ट का, जो पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी टेस्टिंग का प्रोफाइल रहेगा उसके ऊपर. फॉर ड्रग सब्सटेंस विथ अ प्रपोज रिटेस्ट पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्टिंग्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशंस शुड बी नॉर्मली बी एवरी 3 मंथ्स ओवर द फर्स्ट ईयर. अगर आपका ड्रग सब्सटेंस जो है उसका रिटेस्ट पीरियड अगर 12 महीने तक है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोला है, अगर आपका जो ड्रग सब्सटेंस है उसका प्रपोज रिटेस्ट पीरियड मिनिमम 12 मंथ है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन, मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन में उसको टेस्ट करने का फ्रीक्वेंसी नॉर्मली भी एवरी 3 मंथ्स ओवर द फर्स्ट ईयर. मतलब पहले एक साल तक उसको मिनिमम 3 मंथ इंटरवल में आपको टेस्ट करना है, जैसे कि 0 मंथ पे, 3rd मंथ पे, 6 मंथ पे, 9 मंथ पे, 12 मंथ पे, ऐसा करके. मतलब एवरी 3 मंथ गैप में उसका टेस्टिंग होना चाहिए. ओवर 6 मंथ्स फॉर द सेकेंड ईयर. एक साल हो जाने के बाद जब दूसरा साल आएगा तो हर 6 महीने में एक बार टेस्ट होना चाहिए. एंड एनुअली देयर आफ्टर थ्रू द प्रपोज रिटेस्ट पीरियड. उसके बाद जब तक उसका प्रपोज रिटेस्ट पीरियड है वहां तक साल में एटलीस्ट एक बार टेस्टिंग होना चाहिए. एट द एक्सीलरेटेड स्टोरेज कंडीशन अ मिनिमम ऑफ 3 टाइम पॉइंट्स इंक्लूडिंग द इंटरवल
that is initial and final time points. जैसे कि अगर आपका 6 महीने का stability studies है तो 0 month is the initial time frame and final time frame will be 6 months. तो 0 month पे और 6 month पे तो करना ही पड़ेगा और उसका बीच में एक point होना चाहिए, जैसे कि 3 month हो सकता है. From a 6 month study is recommended, at least 6 महीने का study recommend किया जाता है. Where an exceptions based on the development of experience, आपका development of experience मतलब आपके experience की बिहा पे भी आप exceptions कर सकते हैं. Exist that results from the accelerated studies are likely to approach significant change criteria. अगर आपको लगता है कि जो result है वहाँ पे कुछ significant changes आने वाला है, तो आप अपना result की बिहा पे मतलब बीच में कहीं पे भी अगर significant changes आपको लगता है होने का chances है, तो आप अपना on the based of the experience आप accelerated storage conditions आपका जो intervals है उसको आप mold कर सकते हो. उसमें भी कुछ criteria दिया है, जैसे कि increased testing should be conducted either by adding samples at the final time, जैसे कि 6 month है final time, तो increased testing जो है वो increased testing should be conducted either by adding sample at the final time point or by including a fourth time point in the study design, or नहीं तो फिर आप study को जो design करेंगे उसमें एक चौथा time point include करेंगे, but it should be based on the experience. When the testing at the intermediate storage condition is called, अगर जहां पे intermediate storage condition में आपको testing करना है, for as a result of the significant change, अगर significant change की वजह से अगर accelerated storage condition का चलने की time पे कुछ अगर significant change आया, then minimum of 4 time points including the initial and final time point 0, 6 month, 9 month and 12 months from 12 month study is recommended. उसकी केस में intermediate storage conditions पे आपको testing करने के लिए recommend किया जाता है. Intermediate storage conditions पे 0 month, 6 month, 9 month और 12 month का स्टडी होना चाहिए. अभी देखते हैं जनरल केस, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या आता है, स्टडी आता है, स्टोरेज कंडीशन आता है, मिनिमम टाइम पीरियड कवर्ड बाय द डेटा एट सबमिशन, ये तीन चीज आता है जो टेबुलेटेड डिटेल्स है. इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म. आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए सैंपल रखना है तो आपके लिए दो स्टोरेज कंडीशन है, एक है 2560, दूसरा है 3065. और ये लॉन्ग टर्म स्टडीज आपको मिनिमम 12 मंथ तक कंटिन्यू करना पड़ेगा. इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन है 3065, जो कि ना 6 मंथ के लिए आपको करना पड़ेगा. और एक्सीलरेटेड स्टोरेज कंडीशन आता है 4075, जो भी मिनिमम 6 मंथ के लिए होना चाहिए. इट इज अप टू द एप्लीकेंट टू डिसाइड व्हेदर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज आर परफॉर्म्ड एट 2560 और एट 3065. मतलब जो एप्लीकेंट है, जो यूजर से, जो डूअर से, वो डिसाइड करेगा कि आपको जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए आप कौन सा कंडीशंस को चूज करने वाले हो. आप 2560 को भी चूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप 3065 को भी चूज कर सकते हो. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कमेंट दिया गया है, इफ 3065 इज द लॉन्ग टर्म कंडीशन, अगर आपका 3065 लॉन्ग टर्म कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3065 अगर लॉन्ग टर्म कंडीशन हुआ, अगर ये आपका लॉन्ग टर्म कंडीशन है, तो ये और ये सेम कंडीशन है, इंटरमीडिएट कंडीशन एंड लॉन्ग टर्म कंडीशन, तो आप इंटरमीडिएट कंडीशन को स्किप कर सकते हो. आपका देयर इज नो इंटरमीडिएट कंडीशन, उस केस में आपको अलग से कोई इंटरमीडिएट कंडीशन आएगा ही नहीं, तो आप लॉन्ग टर्म कंडीशन पे स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो. इफ द लॉन्ग टर्म स्टडीज आर कंडक्टेड एट 2560 एंड सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर्स, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टडीज को 2560 पे कर रहे हो और उस दौरान कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया ड्यूरिंग द एक्सीलरेटेड स्टोरेज कंडीशन, एक्सीलरेटेड स्टडी चलते चलते कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आपकी आया, तो एडिशनल टेस्टिंग एट द इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन शुड बी कंडक्टेड एंड
evaluated against the significant change criteria. तो आपको intermediate storage condition को चालू करना पड़ेगा उसी time interval पे, और आपको intermediate storage condition पे execute करके significant change criteria पे आपको test perform करना पड़ेगा. Testing at the intermediate storage condition should include all the tests. Intermediate storage condition में सारा test को execute करना पड़ेगा unless otherwise justified. The initial applications should include a minimum of 6 months data from 12 months study at the intermediate storage condition. आपका 12 महीने का intermediate storage condition में minimum 6 महीने का data होना लाजमी है. Significant changes for the drug substance is defined as the failure to meet its specification. Significant change किया है, एक छोटा सा define किया है, बाद में इसका detail में दिया है. Significant change है drug substance अगर उसका specifications को meet नहीं किया, अगर failure हो गया, that is called significant change. अभी देखते हैं कि drug substance intended for storage at a refrigerator, अगर drug substance को refrigerator में store कर रहे हैं, तो उसकी case में long term condition होगा 5 degree centigrade plus minus 3 degree centigrade. लॉन्ग टर्म के लिए आरएच क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, लॉन्ग टर्म कंडीशन 12 महीने के लिए मिनिमम करना है. इस केस में एक्सेलरेटेड कंडीशन रहेगा 2560 जो कि ना मिनिमम 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल होगा. अभी देखते हैं ड्रग सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर स्टोरेज इन अ फ्रीजर, अगर आप ड्रग सब्सटेंस को फ्रीजर में स्टोर करते हो उसकी केस में लॉन्ग टर्म कंडीशन रहेगा -20 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी केस में आरएच कंडीशन नहीं दिया गया है और ये मिनिमम आपको लॉन्ग टर्म 12 महीने के लिए कंटिन्यू करना है. अभी आगे देखते हैं स्टेबिलिटी कमिटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी का कमिटमेंट क्या होता है. तो स्टेबिलिटी कमिटमेंट जानते हैं. If the submission includes data from stability studies on at least 3 production batches, a commitment should be made to continue these studies through the proposed retest period. अगर आप submission के लिए apply किए हो और आप अगर आपका submission जो है minimum 3 production batches के ऊपर है, तो आपको ये commitment करना पड़ेगा कि आपको ये 3 बैचेस का जब तक रिटेस्ट पीरियड है तब तक के लिए आपको स्टडी कंटिन्यू करना है. दिस इज योर कमिटमेंट. इफ द सबमिशन इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ फ्यूअर देन द 3 प्रोडक्शन बैचेस, अगर आपका सबमिशन 3 बैचेस से कम बैच लेके आपने सबमिशन किए हो रेगुलेटरी सबमिशंस, देन अ कमिटमेंट शुड बी मेड टू कंटिन्यू दीज स्टडीज थ्रू आउट द प्रपोज्ड रिटेस्ट पीरियड and to place additional production batch to a total of at least 3 on long term studies through the proposed retest period. इसका मतलब है अगर आप 3 से कम batches लेके stability का data लेके आपने submission किया है, तो आपको ये commitment करना पड़ेगा कि मैं दूसरा और production batches को include करके उसका भी stability studies long term condition में up to the retest period execute करूंगा, उसका data collect करूंगा और फिर रेगुलेटरी सबमिशंस के लिए आगे फर्दर गवर्निंग बॉडीज को प्रोवाइड करूंगा. इफ द सबमिशन डज नॉट इंक्लूड स्टेबिलिटी डेटा ऑन प्रोडक्शन बैचेस, अगर आपका जो सबमिशन हुआ है उसमें स्टेबिलिटी डाटा कवर नहीं है, इंक्लूड नहीं है, अ कमिटमेंट शुड बी मेड टू प्लेस द फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बैचेस ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थ्रू द प्रपोज्ड रिटेस्ट पीरियड. जब तक आपका रिटेस्ट पीरियड है तब तक आपका पहले 3 जो प्रोडक्शन बैचेस रहेंगे उस 3 प्रोडक्शन बैचेस का स्टेबिलिटी डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द गवर्निंग बॉडी. अभी देखते हैं इवैल्यूएशन, आपको इवैल्यूएट कैसे करना है. द पर्पस ऑफ द स्टेबिलिटी स्टडी इज टू एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द टेस्टिंग ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 बैचेस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस and evaluating the study's informations including appropriate result of the physical, chemical, biological and microbiological test, a retest period applicable to the further batches of the drug substance manufactured under similar circumstances, the degree of variability of the individual batches affect the confidence of the further production batches will remain within the specifications throughout the assigned retest period.
आगे चलते हैं, देखते हैं कि अच्छा स्टेटमेंट एंड लेबलिंग की केस में बोलता है कि द टर्म सच एज एम्बिएंट कंडीशंस और रूम टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड। जो दो टर्म है, एम्बिएंट कंडीशन है और रूम टेम्परेचर, इसको इन जनरल केसेस में अवॉइड करना चाहिए। अ रिटेस्ट पीरियड शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड रिटेस्ट डेटा शुड बी डिस्प्लेड ऑन द कंटेनर लेवल इफ अप्रोप्रिएट। अभी देखते हैं ड्रग प्रोडक्ट, ड्रग प्रोडक्ट की केस में एक ही चीज, सेम चीज बोला गया है, कुछ अलग नहीं है। सिलेक्शन ऑफ बैचेस, सिलेक्शन ऑफ बैचेस में बोलता है कि टू ऑफ द थ्री बैचेस, जो तीन बैच आपको सिलेक्ट करने हैं उसमें मिनिमम जो दो बैचेस रहेंगे, इट शुड बी एटलीस्ट पायलट स्केल बैचेस, उसमें मिनिमम दो बैच पायलट स्केल बैचेस होना पड़ेगा। द थर्ड वन कैन बी स्मॉलर, थर्ड वन स्मॉलर हो सकता है इफ जस्टिफाइड, अगर आपके पास एडिक्वेट जस्टिफिकेशन है तो। और द पॉसिबल बैचेस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट बैचेस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, जहां पे आपका पॉसिबल बैचेस जो आप बनाएंगे ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट बैचेस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, डिफरेंट जितना भी आपका ड्रग सब्सटेंसेस है अलग अलग आपका ड्रग सब्सटेंस लेके आप ड्रग प्रोडक्ट बनाइए और उसको आप स्टेबिलिटी में चार्ज करिए, स्टडी करिए, स्टडी को एग्जीक्यूट करिए, ताकि आपके पास एप्रोप्रिएट डेटा रहेगा। स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड कंटेनर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, और एक बार बोलता हूँ, स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड कंटेनर साइज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट अनलेस ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग इज एप्लाइड। अगर आपकी ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग नहीं है तो इंडिविजुअल जितना भी आपका स्ट्रेंथ है और कंटेनर साइज है, हर एक स्ट्रेंथ पे, हर एक कंटेनर साइज पे आपको स्टेबिलिटी स्टडी एग्जीक्यूट करना है। अदर सपोर्टिंग डेटा कैन बी प्रोवाइडेड। आगे चलते हैं, वीडियो जो है काफी लंबा होते जा रहे, बट चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंपॉर्टेंट चीजें है जो पहले से शुरू से हम लोग बोले आ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या है, तो चलिए जानते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या है। सिग्निफिकेंट चेंजेस है अ 5% चेंज इन द एसे फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब इंडिविजुअल टेस्ट किया और बाद में ड्यूरिंग स्टेबिलिटी स्टडीज टेस्ट हुआ, दोनों रिजल्ट में एसे का रिजल्ट में वेरिएशन 5% से ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट चेंज। और फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और पोटेंसी व्हेन यूजिंग बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोसीड्योर, अगर आप बायोलॉजिकल नहीं तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसीड्योर फॉलो कर रहे और आपका प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो पोटेंसी है वो मीट नहीं हो रहे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट चेंज। एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक्सीडिंग इट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अगर आपका प्रोडक्ट का जो डिग्रेडेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हुआ, उससे ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ, तो दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट चेंज। फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर अपियरेंस फिजिकल एट्रीब्यूट एंड फंक्शनलिटी टेस्ट, अगर अपियरेंस फिजिकल एट्रीब्यूट फंक्शनलिटी टेस्ट में कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, फेलियर हुआ, जैसे कि कलर, फेज सेपरेशन, रीसस्पेंडेबिलिटी, केकिंग, हार्डनेस, डोज डिलीवरी से पर एक्विजिशन, ये सब टेस्ट में अगर फेलियर हुआ तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट चेंज। हाउएवर सम चेंजेस इन द फिजिकल एट्रीब्यूट, कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट में चेंजेस जैसे कि सॉफ्टनिंग ऑफ सपोजिटरीज, मेल्टिंग ऑफ द क्रीम्स, ये सब भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है। अगर ये सब जो है दैट मे बी इसका आने का चांसेस है, एक्सीलरेटेड स्टोरेज कंडीशन में टेम्परेचर और आरएच को बढ़ने की वजह से ये चेंजेस हो सकता है। फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर पीएच, अगर पीएच का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट चेंज। फेलियर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर डिजोल्यूशन ऑफ 12 डोजेज यूनिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट चेंज। अभी देखते हैं ड्रग प्रोडक्ट पैकेज्ड इन इम्परमिएबल कंटेनर, अगर सेंसिटिविटी टू द मॉइस्चर और पोटेंशियल फॉर द सॉल्वेंट लॉस इज नॉट अ कंसर्न फॉर द ड्रग प्रोडक्ट्स पैकेज्ड इन द इम्परमिएबल कंटेनर दैट प्रोवाइड अ परमानेंट बैरियर टू द पैसेज ऑफ मॉइस्चर एंड सॉल्वेंट, दस द स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ द प्रोडक्ट्स
stored in the impermeable containers can be conducted under any controlled or ambient humidity conditions. अगर आप impermeable container में आपका drug substance या product को pack किया है, जहां पे RH का changes होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, उसकी केस में आप any controlled temperature और ambient temperature पे आप उसका stability studies कर सकते हो. Drug products packaged in semi-permeable containers. Aqueous based products packed in the semi-permeable container should be evaluated for potential water loss in addition to the physical, chemical, biological and microbiological studies. This evaluation can be carried out under the conditions of low relative humidity as discussed. जो भी पहले discussion किया गया है उसके ऊपर. Ultimately, it should be demonstrated that aqueous based drug products stored in the semi-permeable containers can be withstand as a low relative humidity environments. अभी उसके लिए एक चीज देख लेते हैं. अगर आपका drug substance semi-permeable container में stored किया तो long term stability studies जो होगा वो होगा 25 degree centigrade 40% RH और 30-35% RH. 30 degree centigrade 35% RH for 12 months. इसका इंटरमीडिएट कंडीशन होगा 30-65 फॉर 6 मंथ्स और इसका एक्सेलरेटेड कंडीशन होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर नॉट मोर देन 25% आरएच फॉर 6 मंथ्स. इट इज अप टू द एप्लीकेंट टू डिसाइड व्हेदर द लॉन्ग टर्म स्टडीज आर परफॉर्म्ड एट 25-40 और 30-35. इफ 30-35 इज द लॉन्ग टर्म कंडीशन देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर intermediate storage condition. अभी एक लास्ट चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल गिवन टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेटेड वाटर लॉस रेट ड्यूरिंग द स्टोरेज एट नॉट मोर देन 25% RH इज द वाटर लॉस रेट मेजर्ड एट 75% RH multiplied by 3.0, the corresponding water loss ratio. अभी देखते हैं the corresponding water loss ratio जो है corresponding water loss ratio होता क्या है. अभी अपना जो है alternative relative humidity एक आता है, दूसरा है कि relative humidity आता है, that is reference relative humidity. अगर आपका alternative relative humidity 60% है और reference relative humidity 25% है, then the ratio of water loss ratio should be 1.9. If it is 60 and 40, then the reference water loss ratio will be 1.5. If it is 65-35, then water loss ratio will be 1.9. If it is 75 and 25, then water loss ratio would be 3.0. आगे एक important चीजें हैं जो काफी बड़ा है, जिसको कवर करेंगे तो काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसको जस्ट ब्रीफिंग कर लेते हैं. ग्लोसरी में बहुत सारा डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया है इस गाइडलाइन पे, जिसमें जस्ट ओवरलुक कर लेते हैं. इसमें आता है एक्सेलरेटेड टेस्टिंग का डेफिनेशन, ब्रैकेटिंग क्या है, क्लाइमेटिक जोन क्या क्या है, कमिटमेंट बैचेस क्या होता है, कंटेनर क्लोजर सिस्टम क्या है, डोजेज फॉर्म क्या है, ड्रग प्रोडक्ट क्या है, ड्रग सब्सटेंस क्या है, एक्सिपिएंट क्या है, एक्सपायरेशन डेट किसको बोलेंगे, फॉर्मल स्टेबिलिटी स्टडीज किसको बोलेंगे, इम्परमिएबल कंटेनर का डेफिनेशन क्या है, इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन क्या है, मास बैलेंस क्या है, मैट्रिक्सिंग क्या है, मीन काइनेटिक टेम्परेचर क्या होता है, न्यू मॉलिकुलर एंटिटी, पायलट स्केल बैचेस, प्राइमरी बैचेस, प्रोडक्शन बैचेस, रीटेस्ट डेटा, रीटेस्ट पीरियड, सेमी परमिएबल कंटेनर, सेल्फ लाइफ, स्पेसिफिकेशंस रिलीज, स्पेसिफिकेशन सेल्फ लाइफ, स्टोरेज कंडीशन टॉलरेंस, स्ट्रेस कंडीशंस, ड्रग सब्सटेंस, स्ट्रेस कंडीशंस, स्ट्रेस टेस्टिंग, ड्रग प्रोडक्ट, सपोर्टिंग डेटा. तो ये सारा डेफिनेशन इसके ग्लोसरी में इंक्लूड किया गया है. इसका रेफरेंस में आता है ICH Q1B, ICH Q1C, ICH Q3A, Q3B, ICH Q5C, ICH
Q6A and Q6B. तो ये था अपना आज का स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे नया नया टेक्निकल ज्ञान लेके आते रहेंगे। आप लोग अच्छे रहिए, अच्छी तरह से जिंदगी बिताइए और क्वालिटी को साथ में लेते हुए चलते रहिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।